आधार कार्ड अगर दिखाए हैं उन्होंने तो उस तरह से कुछ नहीं कर सकते। पहली अदनान ने बहुत ही जारहाना बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, वो नॉन स्ट्राइक पे है। यह मासूम के पास स्ट्राइक है, मासूम ने पहली गेंद पर शॉट खेला और एक मिनट, कैप्टन सिर्फ कैप्टन थोड़ी देर के लिए बाहर आए, अंजरला के हरने के कैप्टन अरबाज। सब मत आइए, आप टाइम मत वेस्ट कीजिए। आसिफ अपने यहाँ पिछले टूर्नामेंट में यह ऐलान हुआ है, मुझे मालूम है कि आधार कार्ड अगर स्कैन पे अगर दिखाता है तो वो टीम में खेल सकता है। हाँ, और हमने खिलाए हैं पिछले मरतबा, आधार कार्ड अगर उनके स्कैन में आ रहा है तो हम जो पिछले टूर्नामेंट में अपना हुआ था सेम। हाँ, अभी उसके अलावा दूसरे वो किधर खेले तो उनकी जिम्मेदारी है। गांव टू गांव में आधार कार्ड जो लिंक मिलेगा, आपके दिखाने का आधार कार्ड नहीं, जब लिंक कर दिया जाएगा वो नजर आएगा तो फिर उसी हिसाब से। इस तरह चार फेक पे स्कैन नहीं होता भाई, फेक आधार कार्ड स्कैन पे अगर आप लेंगे तो वो सीधे सीधे बता देगा कि ये फेक स्कैन ये है। खेल जारी रखें, अब दरमियान में न रोकें। चलिए, पहली ओवर की गेम चल रही है, चार रन बने हैं और गेंदबाजी के लिए तैयार हैं मसूद। सामना करेंगे मादिली की तरफ से, बेहतरीन बल्लेबाज हैं ये, और पिछले मैच में ये दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए नहायत ही किफायती और अच्छी बैटिंग की थी। सामना करेंगे मसूद का, खूबसूरत शॉट, मौका नहीं होगा किसी भी फील्डर को, और गेंद पलट झपकते में वन बाउंस के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। जिस तरह की शुरुआत मादिली ने पिछले मैच में की थी बिल्कुल उसी को जारी रखा है। मादिली ने कौन है वो आपने केल्सी की तरफ से जिस तरह की शुरुआत हुई थी पिछले मैच में बिल्कुल उसी तरह की शुरुआत। एक मरतबा फिर खेला है फील्डर, इस मरतबा फिर गेंद को लेने में नाकाम रहे, एक रन बना, दूसरा रन के लिए तेज कदमों से निकले हैं, दो रन दौड़कर हासिल कर लिए। मासूम है
इस ट्रैक पे। मसूद है गेंदबाज, पिछले मैच में 66 रन बनाए थे केल्सी की तरफ से। अदनान वन ऑन स्ट्राइक पे है, पहली ओवर का खेल जारी है। अंपायर शहबाज को क्रॉस किया मसूद ने, अच्छी गेंद, इस मरतबा गेंद की लाइन मिस कर गए बल्लेबाज और बल्ले के करीब से होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई, उस गेंद पर रन नहीं आया। मसूद है बॉलर, एक मरतबा फिर दौड़ना शुरू किया, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, सीधे हाथ से खराब गेंद, पटकी हुई गेंद थी, वाइड की सूरत में एक रन बना और एक रन दौड़ कर भी हासिल हो गया, दो रन एक्स्ट्रा के आए, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। इस बीच पहली ओवर का खेल चल रहा है, 12 रन बने हैं, बहुत मसरूफियत के बावजूद भी अपना कीमती वक्त निकाला है शौकत भाई डिमडिमकर, सादिक भाई, जलील भाई नोरे और नूरुल्ला और नियाज भाई जमादार साहब ने, फैयाज भाई फंसूक कर भी अपना बहुत पूरा टाइम देते हैं, आप सुबह से आए हुए हैं वो। और ये फिर बहुत अच्छी गेंद और ये आउट, और ये आउट यानी ये बहुत बड़ी विकेट। पिछले मैच में 66 रन बनाए थे उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों पर, पहली ही गेंद का सामना किया है, गेंद शायद बल्ले का किनारा लेती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और ये बड़ी विकेट। मसूद ने बहुत बड़ी विकेट हासिल की है। ये देखिए अदनान के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज गए हैं, मासूम का साथ देने के लिए बैट्समैन का नाम बताइए, मलिक मलिक मलिक। इस ग्राउंड का सबसे बड़ा स्कोर जो बनाया था अदनान पिछले मैच में 17 गेंदों पे 66 रन बनाए थे, इस मरतबा बिल्कुल कुछ नहीं कर सके। मसूद की एक गेंद को जोरदार हिट लगाने की कोशिश में कॉट बैन हो गए, शॉट खेला है महफूज जगह पे, फील्डर जब तक गेंद तक पहुंचता एक रन बना, दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े और यकीनन ये दो रन दौड़कर हासिल हो गए। स्कोर 14 रन 14। पहली ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 14 रन। पहली ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 14 रन। मलिक गए हैं नए बल्लेबाज, मंसूर भाई हजवाने मित्रा ट्रांसपोर्ट के मालिक का तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल है। बॉलर का नाम बताएं, बॉलर बॉलर नाम सकलेन सकलेन। सामना करेंगे मासूम के ऊपर तमाम तर जिम्मेदारी आती है जब उनके बहुत बड़ी विकेट अदनान, खराब गेंद, वाइड बॉल करार दिया अंपायर ने, एक रन का स्कोर में इजाफा। सकलेन है गेंदबाज, स्कोर एक रन के इजाफे के साथ पहुंचा है 15 रनों पर। ये दूसरे राउंड के मुकाबले चल रहे हैं, खूबसूरत शॉट नहीं रोक पाएगा शायद फील्डर, गेंद के पीछे दौड़ रहे, देखना है रोकने में कामयाब होते हैं या गेंद, और ये नहीं रोकने में कामयाब हुए, बड़ा तेज शॉट था, गैप में खेल गए थे, 4 रन का स्कोर में इजाफा। अदनान के आउट होने के बाद तमाम तर जिम्मेदारी अपने ऊपर
मासूम लिए हुए हैं। पिछले मैच में मासूम ज्यादा नहीं चले थे। अदनान ने एक तरफा बैटिंग की थी, 66 रनों की बड़ी इनिंग, लेकिन इस मरतबा अदनान बगैर कोई रन बनाए कार्ड बयान हो गए और अब अदनान ने पूरी तरह जिम्मेदारी अपने ऊपर संभाले हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइक पर मलिक गए। केल्सी की तरफ से देखें किस तरह की बैटिंग होती है, जबकि सकले ने बॉलर दौड़ना शुरू किया, गेंद करेंगे, लगातार खराब गेंदे कर रहे हैं, लाइन से भटकी हुई गेंदे, पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गिरी और ज्यादा बाहर निकलती हुई, अंपायर का इशारा, वाइड की सूरत में एक रन का इजाफा। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, 20 रन बने, सकलेन गेंद करेंगे, बल्ले के करीब से होती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में गई और इस गेंद पर रन नहीं बना। यह पटकी हुई गेंद थी, दो तजुर्बाकार अंपायर मानकोट के, बहुत ही तजुर्बाकार हमारे अंपायरिंग के फरज अंजाम दे रहे अनवर भाई दंशे और उभरते हुए मानकोट की टीम के शहबाज उक्तारी। इस बीच सकलेन ने दौड़ना शुरू किया, खूबसूरत शॉट खेला है, फील्डर गेंद के नीचे, कैच की कोशिश थी, पहली कोशिश उनके नाकाम रही, गेंद चटक के नीचे गिरी, एक रन दौड़ के पूरा किया और इस बीच बल्लेबाजों ने दो रन हासिल कर लिए। जगह पे थी लेकिन थोड़ा मुश्किल कैच था, जरा ऊंचाई से होता हुआ जंप लगाई थी और कोशिश की थी कैच को लपकने की, लेकिन कैच उनके हाथ से चटक के नीचे गिरी, नतीजतन दो रन बल्लेबाजों ने तेज कदमों से दौड़कर हासिल कर लिए। 22 रन स्कोर, दूसरी ओवर का खेल चल रहा है, एक विकेट का नुकसान हुआ है, आउट होने वाले बल्लेबाज पिछले मैच में जरहाना बल्लेबाजी करने वाले अदनान, एक बड़ी विकेट एक मरतबा फिर खेला है, इस बार फील्डर गेंद के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, एक रन बना और जब तक के गेंद को रोकने में कामयाब होते हैं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए, पकड़ लिया था लगभग गेंद को, हाथ से उनके गेंद चटक के निकल गई और 4 कीमती रनों का स्कोर में इजाफा। इस मरतबा दूसरे ओपनर केल्सी की तरफ से जो आए हैं, मासूम, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, स्कोर है। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, एक रन का स्कोर में इजाफा हुआ और स्कोर पहुंचा है 27 पर। सकला है ना गेंदबाज, दूसरी ओवर का खेल चल रहा है, मासूम अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सीधे हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, 4-4 ओवर के मुकाबले होंगे, पावर प्ले का ओवर खत्म हो गया है। मासूम के पैरों में गेंद की थी इस मरतबा, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से खेला है, गेंद जब तक फील्डर के हाथ में आती है यकीनन दो रन तेज कदमों से हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। दो रन हासिल हो गए, विकेटों के दरमियान बेहतरीन दौड़ने का मुजाहरा पेश कर रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज, बिल्कुल भी अदनान के विकेट गिरने के बाद स्कोरिंग रेट को नहीं गिरने दिया है। अच्छी गेंद, लेग स्टंप को छूती हुई काफी बाहर निकल के घूम के खेलने की कोशिश की थी, गेंद पैड से टकराई थी, अपील हो रही थी लेकिन इस गेंद पर कोई रन नहीं आया। दो ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 30 रन। दो ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 30 रन, एक विकेट का सिर्फ नुकसान हुआ है, मलिक स्ट्राइक पे होंगे शायद, अब लास्ट बॉल पे एक रन निकाला था, अच्छा हाँ मासूम रहेंगे स्ट्राइक पे, आखिरी गेंद पे रन आया था।
हेलो अंपायर, लास्ट बॉल डॉट आई थी ना, लास्ट बॉल पे रन नहीं आया था ना, एक रन मासूम स्ट्राइक पे आएगा कैसा, एक रन बना था, ठीक है 30 रन बराबर है। बॉलर का नाम बताएं, बॉलर सरजील, सरजील गेंदबाजी कर रहे हैं, मासूम स्ट्राइक पे, बहुत अच्छा खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए अभी तक। ये बड़ी हिट लग सकती थी, मिस कर गए गेंद की लाइन पूरी तरह से, गेंद बल्ले पे आई नहीं और इस गेंद पर रन नहीं बना। फुल टॉस गेंद थी, लगभग उनके पहुंच में रेंज में थी उनकी, लेकिन बल्ले से नहीं खेल पाए गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और इस गेंद पर रन नहीं बना। सरजील एक मरतबा फिर, तीसरी ओवर का खेल शुरू हो चुका है, 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 30 रन। दूसरे राउंड के लिए मुकाबले चल रहा है, बहुत अच्छा शॉट है, कोई मौका नहीं होगा फील्डर को किसी, अंपायर शहबाज की उंगलियां फजा में, बुलंद होती हुई इशारा आई है कि 6 रनों का इजाफा कर चुके हैं मासूम अपने और अपनी टीम के स्कोर में। स्कोर है, तीसरी ओवर का खेल चल रहा है, बड़े हदफ की तरफ फिर एक मरतबा जा सकते हैं, लेकिन जो पिछले मैच में हुआ था, अच्छी गेंद बल्ले के और स्टंप्स के करीब से होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गई, अंपायर पर दबाव बनाने की कोशिश थी, जोरदार अपील लेकिन मुस्तरद कर दिया दोनों अंपायर ने उस अपील को। एक छक्का जरूर आया है, लेकिन 3 गेंदों में 2 डॉट गेंदें आई है इस ओवर में। सरजील लंबे रन अप से गेंदबाजी करेंगे मासूम को, ओपनर के हैसियत से गए थे बल्लेबाज, बहुत एक मरतबा फिर बेहतरीन शॉट, ओवर पिच बनाया गेंद को, बिल्कुल बैट के करीब पाया और सरजील की गेंद को सीधे बॉर्डरलाइन के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। स्कोर है, तीसरी ओवर का खेल चल रहा है, एक बड़े हदफ की तरफ एक मरतबा फिर केलसी की टीम जाती हुई, तीसरी ओवर का खेल चल रहा है, 2 डॉट गेंदें आई है, 2 बड़े छक्के आए हैं, राउंड विकेट आने का फैसला किया शर्जील ने, एक मरतबा फिर जोरदार हिट लगाने की कोशिश की अपनी जगह से खड़े खड़े, गेंद ऑफ स्टंप को छूती हुई निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में और उस गेंद पर रन नहीं बना। मलिक गए हैं बहुत देर से, लेकिन अभी उनको स्ट्राइक नहीं है, लगातार मासूम के पास 12 रन जरूर आए हैं, लेकिन 3 गेंदें डाउट किए इस ओवर में, आखिरी गेंद इस ओवर की, दौड़ना शुरू किया सरजी या बॉलर गेंद करेंगे, फिर एक मरतबा बहुत जोरदार खेला है और गेंद, ये 3रा छक्का इस ओवर का, 3 डॉट गेंदें खेली और 3 गेंदें जो बल्ले पे आई वो सीधे बाउंड्री के बाहर निकल गई थी। आसिम डारकर तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल है क्रिकेट ग्राउंड पर बानकोट के। इस टूर्नामेंट में 4th इनाम जिन्होंने दिया वो आसिम नारकर कमेंट्री बॉक्स में पहुंच चुके हैं, इस्तकबाल है उनका। 3 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 48, 48 रन, आखिरी ओवर का खेल चलेगा। बॉलर का नाम बताएं, बॉलर का नाम अक्षय। शर्जील को गेंद की, रन बनेगा ये और ये रन आउट की सूरत में, रन नहीं है ये, डॉट बॉल है, ये डॉट बॉल करार दी जाएगी। बॉलर ने गेंद की और विकेट कीपर ने कलेक्ट किया, ये लिहाजा ये रन नहीं है, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई है लिहाजा ये डॉट बॉल करार दी जाएगी।
अच्छी गेंद की अक्षय ने कम से कम अपनी पहली गेंद को, पहली दो तीन ओवर में रन बड़े अच्छे आए हैं। मासूम बहुत जाराना बने हुए हैं, मलिक के ऊपर तमाम तरह जिम्मेदारी है। आखिरी ओवर के पांच जो गेंदे बाकी उस तरह पे उस ओवर में पांच गेंदों में किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। 48 रन बन चुके हैं। अक्षय की गेंद बल्ले का किनारे लेते हुए बहुत आसान कैच, विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद गई, मलिक आउट होकर वापस हो रहे हैं। अकेले एक तरफा बैटिंग की अपनी टीम के लिए मासूम ने। अदनान बगैर कोई रन बनाया आउट हुए थे और मलिक ने सिर्फ दो रन बनाए। ऐसा इस बीच एक मरतबा फिर गेम शुरू होने जा रहा है। आखिरी ओवर का खेल चल रहा है, दो डाउट गेंदे गई है जिसमें एक विकेट का नुकसान भी हुआ है। आखिरी ओवर में अगर रन नहीं आए तो यकीनन केएलसी को बहुत ही एक 48 रन का स्कोर बहुत बड़ा स्कोर नहीं माना जाएगा। अभी तक उन्होंने उनके तमाम बैट्समैन अच्छा खेले हैं। मासूम के अलावा कोई और बल्लेबाज को मौका कम मिला है, लेकिन मासूम अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा खेल गए हैं। इस बीच अक्षय अच्छी गेंदबाजी कर रहा है अपनी टीम के लिए। फील्डर के पास है गेंद, एक आसान कैच हो सकता है और ये 48 रन के स्कोर पर लगातार विकेटें गिरती जा रही है। मासूम नॉन स्ट्राइक पे मौजूद है। मासूम 41 रन बना के खेल रहे हैं। हमें जिस तरह से अदनान ने बैटिंग की थी 17 गेंदों में 66 रन बनाते अपनी टीम के लिए, इस मरतबा मासूम ने 16 गेंदे खेली है और 41 रन बनाए हैं। आखिरी ओवर की तीन गेंदों पे कोई रन नहीं आया है। मासूम नॉन स्ट्राइक पे अभी मौजूद है। केएलसी की तरफ से जितने भी बल्लेबाज आए तमाम नाकाम रहे रन बनाने में। मलिक ने दो रन जरूर बनाए थे लेकिन वो अपनी टीम के लिए कोई खास ऐसा कर नहीं कर सके कि वो टीम बड़े स्कोर की तरफ जाती। अक्षय हैट्रिक गेंद करेंगे, हैट्रिक पे है अक्षय। तीन गेंदे किए उन्होंने और तीनों गेंदों पे कोई रन नहीं दिया है। एक बार दबाव फिर अक्षय, नए बल्लेबाज आए उनका नाम तो पता नहीं लेकिन सामना करने के लिए तैयार। एक बार दबाव फिर बड़ी हिट लगाने की कोशिश की थी, इस तरह से रन नहीं है। मासूम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो स्ट्राइक पे जाएं लेकिन बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहे हैं और नतीजतन उनको नॉन स्ट्राइक पे रहना पड़ेगा। ये डाउट गेंद गई है। एक मरतबा फिर अक्षय, चार गेंदों पे कोई रन नहीं बनाए अक्षय के आखिर आखिरी ओवर में 48 रन पे रुका हुआ जो स्कोर है, 48 रन बने। क्या गेंदबाजी की अक्षय ने, जितनी तारीफ करें कम है। यकीनन आखिरी ओवर में जब बॉलर के ऊपर बहुत दबाव होता है ऐसे वक्त में इतनी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए अक्षय। एक मरतबा फिर इस ओवर में पांचवी मरतबा नए आने वाले बल्लेबाज के लिए। गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई निकल गई विकेट कीपर के पास और यह हैट्रिक शायद मुकम्मल की नहीं, एक गेंद आउट गई थी दरमियान में, लेकिन पांच गेंदों पर एक रन भी खर्च नहीं किया अक्षय ने। आखिरी ओवर में एक रन भी नहीं आया है और तीन विकेटों का नुकसान हुआ है। मासूम जो अपनी टीम के लिए 41 रन बना के खेल रहे हैं वो अभी भी नॉन स्ट्राइक पे वैसे ही खड़े हैं। कौन गंगरेकर? एजाज गंगरेकर की तरफ से मासूम के लिए कोयत से 100 रुपए का इनाम आया है हमारे पास, पहुंचा नहीं है लेकिन रिजवान भाई से रब्ता करें, पहुंच गया है रिजवान भाई पेवेकर के पास एजाज गंगरेकर की तरफ से, जो देख रहे हैं इस मैच को लाइव देख रहे हैं।
स्ट्राइक फिर नए बल्लेबाज के पास होगा। आखिरी गेंद होगी, अगर कोई एक्स्ट्रा गेंद नहीं आती तो। पांच गेंदों पर कोई भी रन नहीं दिया है। हवा में खेले, इस बार रन जरूर आएंगे कुछ। फील्डर नहीं हो पाएंगे। गेंद वन बाउंस के साथ बाउंड्री की तरफ जाती हुई, एक रन बना, दूसरा रन के लिए मुड़े, अच्छी फील्डिंग, तीसरा रन भी बनेगा। और मिस फील्डिंग हुई, थ्रो गलत हुआ है, देखना। और ये चौका गया होता तो शायद बेहतर होता। दौड़कर कितने रन बने, कितने रन शहबाज? चार रन, तो एकदम वापस गए तो। चार रन बने और इस ओवर में आखिरी गेंद पर चार रन आए हैं। जीत के लिए 53 रनों की जरूरत है, 53। छह रन, हा तो फिर वही तो पूछ रहे हो लोग, छह रन दौड़े थे बराबर। यहां से कमेंट्री बॉक्स में भी हम लोग गिन रहे थे कि छह हो रहे। अगला आसिफ, मंडनगर के कैप्टन से गुजारिश है कि वो माइक्रोफोन की तरफ आए। रोशन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जीतने के लिए यहाँ पर हारने को 55 रनों की जरूरत है और अपने निर्धारित चार ओवर्स के अंदर वो देखना है कि इस मैच को अपने नाम कर पाते हैं या नहीं। अब सिचुएशन ये आ चुकी है कि हर एक मुकाबला करो और मरो की सिचुएशन के अंदर है। जो जीतेगा वो बाकी रहेगा, जो हारेगा वो घर जाएगा। बिल्कुल आखिरी मोमेंट की तरफ हम बढ़ते हुए आज के दिन के सुबह से मुकाबलों की शुरुआत होती हुई, लेकिन आज खूबसूरत अंजाम की तरफ बढ़ते हुए हम। इसी बीच ये जो मुकाबला हुआ था केलशी वर्सेज एसीसी हलने के दरमियान, ने केलशी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने निर्धारित चार ओवर्स के अंदर 54 रन बनाए हैं और जीतने के लिए यहाँ एसीसी हरने को 55 रन का टारगेट दिया है। और उनकी फील्डिंग यहाँ पर सज चुकी है केलशी की, और बल्लेबाजी के लिए हरने के ओपनर बल्लेबाज उनसे गुजारिश की जाती है कि जल्दी से जल्दी बल्लेबाजी के लिए अपने ओपनिंग प्लेयर्स को क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर भेजे, क्रीज के ऊपर रवाना करें। अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद, कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। ये मुकाबला करो या मरो की स्थिति में दोनों भी टीमें हैं और बेहतरीन अभी तक के अपने कार्यकर्दगी को अंजाम दे सकी है। 100% दोनों भी टीमें अपना यहां पर देते हुए और लगाते हुए, लेकिन साथ में किस्मत का होना भी जरूरी है। मेहनत के साथ में जब किस्मत मिल जाती है तब जाके जीत मिलती है, और देखते हैं कि यहां पर मेहनत तो कर चुके हैं, अब किस्मत किसके साथ देती है। हारने के ओपनर बल्लेबाज, हारने के ओपनर बल्लेबाज से गुजारिश है कि जल्दी से अपने ओपनिंग प्लेयर्स को क्रीज पर भेजे। और ये खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड, उतने ही खूबसूरत लोग जो इन मुकाबलों को देखने के लिए आए हैं, जो चार दिन से मुकम्मल यहाँ पर क्रिकेट प्लेयर्स की और जितने भी टीमें आई हैं तमाम की हौसला अफजाई करते हुए
और अपनी हाजिरी को दर्जाते हुए यहाँ पर जितने भी लोग, जितने भी दर्शक, जितने भी व्यूअर्स, जितने भी सुनने वाले यहाँ मौजूद हैं, हम तमाम का बानकोट क्रिकेट क्लब की जानिब से इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं कि आपकी मोहब्बतें और काविशें हैं जो इस क्रिकेट ग्राउंड को और इस क्रिकेट को जिला बख्शती है, आगे बढ़ाती है। इसी के साथ यहाँ पर सेकंड इनिंग की शुरुआत होती हुई, बॉलर नेम शोएब, मंडनगढ़ के कैप्टन आ चुके और बानकोट के कैप्टन, दोनों भी कैप्टन यहां पर मौजूद। अभी उसके बाद का होने वाला मुकाबला बानकोट वर्सेस मंडनगढ़, जो दोनों किनारे हैं इस मंडनगढ़ तालुके के, दोनों के दरमियान में इस मुकाबले की शुरुआत होती हुई, जिसका टॉस अभी हो रहा है। और ये मुकाबले की शुरुआत यहाँ पर करते हुए शहबाज जो अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं, और उनके साथ है अनवर धनशे साहब जो बड़ी खूबसूरती के साथ हर मुकाबलों के अंदर, हर टूर्नामेंट के अंदर अपनी कारकर्दगी को अंजाम देते। इस टॉस को करने के लिए मैं आवाज दूंगा नियाज जमादार साहब से कि आपके हाथों से इस मुकाबले के टॉस को आप अंजाम दें। मोहतरम नियाज जमादार साहब जिनके हाथों से यह टॉस होता हुआ बानकोट वर्सेस मंडनगढ़ के दरमियान में, बल्लेबाज के नाम बता दे जरा हमको, एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दे, हरने अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर भेज दे। शोएब पहली बार लेकर आए हैं शोएब केलशी की तरफ से, जो बड़ी खूबसूरती के साथ में गेंदबाजी के फराइज को अंजाम देते हैं। और इस बार यहां पर टॉस होता हुआ स्ट्राइक पे है नवीद और नॉन स्ट्राइक पे है पहली गेंद, फुल टॉस गेंद थी और उतनी बेहतरीन कैच यहां पर, बेहतरीन अंदाज में लपक लिया उसको, मारने की कोशिश की थी ऑफसाइड की दिशा के अंदर, लेकिन उतना ही चुस्ती के साथ यहां फील्डिंग का मुजाहिरा करते हुए सीधा हाथों में थमा बैठे और पहला झटका लगता हुआ यहां पर हरने की टीम को। मंडनगढ़ ने टॉस जीता है, उनका फैसला आना बाकी है। शर्जील स्ट्राइक पर रहेंगे, शर्जील नवीद और शर्जील की जोड़ी गई थी ओपनिंग के लिए, नवीद आउट होकर वापस आते हुए और उनकी जगह लेने के लिए गए हैं, शर्जील का साथ देने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज जो अभी क्रीज पर शायद अभी तक के निकले नहीं है अपने। भाई जल्दी से जल्दी ले, वक्त बहुत कम है, आप पहले से सेटिंग करके रखें, आप लोगों की जो टीम की सेटिंग है, जो टीम मैनेजमेंट रहता है, जो टीम के अंदर की जो बेसिक चीजें रहती है वो हमें पहले ही करके रखना चाहिए। सईद नवीद की जगह लेने के लिए जा रहे हैं सईद और नॉन स्ट्राइक पर है शर्जील, दोनों की जोड़ी और गेंदबाजी करने के लिए है हमारे सामने शोएब, जो बड़ी खूबसूरती से मैंने पहले ही कहा था कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं और पहली गेंद के अंदर उन्होंने एक बड़ा झटका दे दिया यहां पर हारने की टीम को। इसी बीच सईद के लिए शोएब की ये गेंद राइट ओवर द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करने के लिए इस बार है सईद। काफी लंबे कद के बल्लेबाज है दोनों भी, सईद भी और शर्जील भी, लेकिन अब देखना है कि अपने हाइट का फायदा उठा पाते हैं या नहीं। उसका फायदा उठाते हुए यहां पर गेंदबाज शोएब की ये गेंद, बेहतरीन गेंद, पूरा मिडल स्टंप को और जी हां सीधा अंपायर ने उसे आउट करार दिया। लेग बिफोर दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर हरने की टीम को सीधा, और इसके बाद की गेंद के ऊपर शोएब हैट्रिक के लिए आएंगे। दो गेंदों के ऊपर दो विकेटें यहां पर हासिल कर चुके हैं शोएब, अच्छी गेंदबाजी, उनको पता है कि टारगेट हमारे सामने जो है, हमारी टीम ने थोड़ा कम टारगेट सेट किया है, कम भी नहीं कह सकते, औसत टारगेट यहां पर सेट किया गया है केलशी की जानिब से 54 रनों का, और जीतने के लिए 55 रन की जरूरत है यहां पर हरने की टीम को, और उसी हिसाब से गेंदबाजी यहां पर करते हुए शोएब। शोएब फिर से अपने बॉलिंग मास के मास पर और सईद की जगह लेने के लिए गए हैं नाहिद। पिछले मैच में नाहिद ने बड़े खूबसूरती के साथ अच्छे स्ट्रोक लगा करके बल्लेबाजी की थी और इस बार भी उनको जरूरत है, स्कोर उनके सामने कोई इतना बड़ा नहीं है, एक विशाल स्कोर नहीं है जिस तक कि वो ना पहुंच सके।
एक सम्मानजनक स्कोर जिसको कहा जाएगा। इसी बीच शुएब की ये गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और बेहतरीन गेंद थी, हल्का सा प्लेसमेंट कर दिया उसको पैंट की दिशा में, उतनी अच्छी फील्डिंग, वहां पर दौड़ करके एक रन मुकम्मल कर लिया और इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है एक ही रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर। मोहतरम दाऊद साहब चरफरे और मोहतरम रफीक चरफरे साहब यहां पर तशरीफ रखते हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। इसी बीच ये मुकाबला हरने वर्सेस केल्ची के दरमियान में खेला जा रहा है। हरने केल्ची ने बल्लेबाजी करते हुए अपने निर्धारित चार ओवर के अंदर 54 रन बनाए थे और जीतने के लिए हरने को 55 रनों का टारगेट दिया था दो विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी तक के हरने एक रन के स्कोर पर और इस बीच अच्छी गेंद वहां पर, उतनी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए और एक रन के साथ यहाँ पर रुकना पड़ेगा। एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है दो रन। बेहतरीन अंदाज में आज बल्ले से कुछ नहीं कर सके दूसरी मैच के अंदर, लेकिन फील्डिंग के जोर पर चाहते हैं कि अपनी टीम को मैच जितवा दें यहां पर। और इसी बीच में शोएब की ये गेंद राइट हम ओवर द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए, अच्छी गेंद थी उठा करके मार दिया उसको, फील्डर उसके नीचे मौजूद है, दौड़ करके एक रन मुकम्मल कर लिया, दूसरे के लिए भागे लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, वहां पर सीधा दौड़ करके फील्डर आते हुए और कैच लपक लिया है। तीसरा झटका लगता हुआ यहां पर हरने को और स्कोर अभी भी रुका हुआ उनका दो रन। और यहां पर से अपनी टीम को चेयर अप करने के लिए खालिद कालगे और जहीर मुजावर अपनी टीम को चेयर अप करने के लिए मांदियोली से यहां पर पहुंच चुके हैं, जो पहली मैच जीत चुकी है मांदियोली फाइटर्स की टीम। और इसी बीच में हरने और केल्ची के दरमियान में ये मुकाबला बड़ा ही खूबसूरत मुकाबला बांध करके रखा है शोएब ने अभी तक के दोनों भी गेंदबाज बल्लेबाजों को, और तीन विकेट झटक लिए अपने पहले ओवर के अंदर, पहले ओवर के अंदर। और अब आ रहे हैं उनका साथ देने के लिए, शर्जील अभी भी नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है और उनका साथ देने के लिए आ रहे हैं अमान। देखना है अपनी टीम को अमन तक के पहुंचाते हैं या नहीं, सिर्फ दो तीन बड़े हिट की जरूरत है यहां पर और मैच बिल्कुल अपने नाम कर सकते हैं, उसके लिए बल्ले और बैट का सही संपर्क होना जरूरी। इसी बीच शोएब की ये गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए, स्लोअर गेंद की वहां पर नहीं समझ सके, हल्का सा प्लेस कर दिया, दौड़ करके एक रन मुकम्मल कर लिया और इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है। रन नहीं लिए शायद वहां पर जी, और अंपायर ने इशारा कर दिया है कि ओवर के खात्मा हो चुका है। इसके बाद का जो राउंड होने वाला है वो मंडनगढ़ वर्सेस बानकोट के दरमियान में, मंडनगढ़ ने टॉस जीता है, टॉस जीत करके बल्लेबाजी करने फील्डिंग करने का फैसला नहीं आया अभी तक। अच्छा, मंडनगढ़ ने अपना अभी तक के फैसला नहीं सुनाया है, मंडनगढ़ के कैप्टन आपका जो भी फैसला हो हमें बता दें। बॉलिंग करने का निर्णय लिया है, ठीक है, आप अपने टीम को उसी हिसाब से तैयार करके रखें। और सामने बानकोट की टीम, उनके कैप्टन से गुजारिश है कि अपने बल्लेबाजों को बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल तैयार रखें क्योंकि तीन ओवर का यह खेल बाकी है। शोएब बेहतरीन गेंदबाजी की है, दो रन देकर के तीन विकेटें हासिल की अपने पहले ओवर के अंदर। बॉलर नेम रिजवान यासिर। पिछले मैच में यासिर ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, एक छक्के के साथ में बहुत कम रन देकर दो विकेटें हासिल की थी, लेकिन इस बार यासिर की यह गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए, यह गेंद काफी अस्टम के बाहर, अंपायर ने दोनों बाएं फैलाते उसे वाइड करा दिया और इसी वाइड के साथ एक रन का इजाफा होता हुआ और इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है तीन रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर। तीन विकेट के नुकसान के ऊपर अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत हो सकती थी लेकिन थोड़ा सा दिशा और लाइन के अंदर भटकते हुए यहां पर इसी बीच ये गेंद करने के लिए फुल टॉस गेंद उठा करके मार दिया है, फील्डर उसके नीचे मौजूद है लेकिन शायद ही फील्डर को क्रॉस करके, जी हां बिल्कुल फील्डर को क्रॉस करके सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर छह रनों के लिए और अंपायर का इशारा नो बॉल, अंपायर ने नो बॉल करार दिया है इस बॉल को क्योंकि शायद हाइट की वजह से अंपायर ने इसे नो करार दिया है, काफी ऊपर ये गेंद थी। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन, आप कोई ये ना करे, अंपायर ने अपना फैसला सुना चुके हैं और इसी छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। भाई जल्दी से जल्दी मुकाबले की शुरुआत करें,
और इस बीच अच्छी गेंद लेकिन काफी ऊपर थी गेंद, जिसका सही फायदा उठाते हुए बल्लेबाज सीधा उसे पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और ये 9 के रूप में ये गेंद मिलती हुई, एक बेनिफिट और भी मिलता हुआ यहाँ पर। और इसी के साथ फ्री हिट रहेगी यहाँ पर बल्लेबाज को, खुलकर खेलने की आजादी मिलेंगी बल्लेबाज को, सिर्फ वो रन आउट आउट हो सकते हैं, इसके अलावा कोई आउट नहीं हो सकते। इसी बीच यासिर की ये गेंद, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, समझ चुके थे थोड़ी ऑफ साइड की दिशा में गेंदबाजी करते हुए, दूर रखते हुए बल्लेबाज से गेंद को, और डॉट के रूप में ये गेंद, अच्छी वापसी करते हुए यासिर। और स्कोर अभी भी रुका हुआ 10 रन के ऊपर। यासिर फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क्स के ऊपर, सामना करने के लिए इस बार शर्जील, देखना है शर्जील अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। बड़ी देर से कोई बड़ा हिट नहीं लगा है। इस बार यासिर की ये गेंद फुल टॉस, उठा करके मार दिया, फील्डर उसके नीचे मौजूद है लेकिन काफी दूर रह गए, दौड़ करके 1 रन भी मुकम्मल कर लिया, दूसरे के लिए भागे, दूसरा भी शायद हो जाए लेकिन वहां अंपायर का इशारा आना बाकी, दौड़ करके 2 रन मुकम्मल कर लिए। और इसी 2 रन के साथ आसानी के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट करते हुए दोनों भी बल्लेबाज, और 2 रन के साथ इसको जा पहुंचा है 12 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी हो, अच्छी गेंदबाजी के साथ वापसी करते हुए यहाँ पर यासिर, पहले गेंद के ऊपर छक्का दिया था यासिर ने लेकिन फिर अच्छी वापसी करते हुए। इस बीच यासिर राइट आर्म वर्दा विकेट, सामना करने के लिए शर्जील इस बार, अच्छी गेंद, भारी किनारा लगता हुआ वहां पर, सीधा फील्डर के हाथ में, और यहां पर झटका लगता हुआ नहीं पहुंच गए वहां पर, जी आसानी के साथ वहां पर पहुंच गए थे। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी फास्ट करते हुए दोनों भी बल्लेबाज वहां पर, और मुस्तैदी के साथ में रनिंग का मुजाहरा करते हुए आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया। इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है, रन नहीं है। अच्छा, इसी बीच यासिर की यह गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, सतीक यॉर्कर जिसको कहेंगे, और उसको प्लेसमेंट करते हुए दौड़ करके 1 रन मुकम्मल कर लिया। इस बार इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 13 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। जी हाँ, इसी के साथ स्कोर अभी भी रुका हुआ 13 रन के ऊपर। यासिर की ये गेंद, अच्छी वापसी करते हुए यासिर, 9 पर छक्का खाने के बाद भी काफी अच्छी वापसी करते हुए यासिर की ये गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए शर्जील, और ये गेंद को उठा करके मार दिया है, गेंद जाती है बाउंड्री लाइन की तरफ लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, वहां पर दौड़ करके 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया। इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब गए हैं शर्जील और उनके साथ में है अमान, दोनों की ये जोड़ी जो बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर मौजूद है और चाहते हैं कि अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक के लेकर जाए, जिसके लिए उन्हें बड़े हिट लगाने की जरूरत है। केलशी की तरफ से यासिर जो गेंदबाजी की जिम्मेदारी को निभाने के लिए बड़ी मुस्तैदी के साथ निभाते हुए, इसी बीच यासिन की ये गेंद और उसको उठा करके मार दिया है, गेंद जाती हुई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, हो सकती थी लेकिन बेहतरीन वहां पर फील्डिंग का मुजाहरा और कैच आउट, बाउंड्री के ऊपर उछल करके पहली बार तो हाथ से चिटक गई थी गेंद लेकिन दूसरी बार फिर से उसे अपने हाथ के अंदर कलेक्ट कर लिया। और ये तीसरा चौथा झटका लगता हुआ है यहां पर हारने की टीम को, और स्कोर अभी भी रुका हुआ 14 रन के ऊपर 2 ओवर के खात्मे के ऊपर। काफी धीमी बल्लेबाजी हो रही है यहां पर हारने की जानिब से, 2 ओवर के अंदर केवल 14 रन आए हैं और 4 विकेट गंवा चुकी है हारने की टीम। इसके बाद का राउंड मंडनगढ़ वर्सेस बानकोट के दरमियान में होने वाला है। भाई दोनों अंपायर से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी मुकाबले की शुरुआत करें, तकरीबन 4 बज चुके हैं और अभी बहुत सारे राउंड खेलना बाकी है। इसी बीच शहबाज और अनवर धनशे साहब इस मुकाबले की अंपायरिंग करते हुए मासूम, तीसरा ओवर लेकर आए। मासूम की ये गेंद और उसको उठा करके मारने की कोशिश थी लेकिन बीट किया वहां पर बल्लेबाज को, बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर, डॉट के रूप में ये गेंद निकल गई। अच्छी गेंदबाजी करने के लिए मासूम जाने जाते हैं, मासूम जिस तरीके से नाम है उनका उसी तरीके से वो गेंदबाजी के फराइज को भी अंजाम दे रहे हैं, और इस बार खुद ही फॉलो थ्रू में बेहतरीन अंदाज में कैच को लपक लिया। 5वां झटका लगता हुआ यहां पर हारने की टीम को और काफी निराश होकर वापस जाते हुए यहां से अमन, अमान
और अब देखना है उनकी जगह लेने के लिए कौन जाते हैं। नबील बैट्समैन नेम नबील नबील मासूम गेंदबाजी की जिम्मेदारी को निभाते हुए केलशी की जानिब से अभी तक के बेहतरीन अंदाज में काफी सटीक गेंदबाजी की है और अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक के मासूम ने। अब आगे देखना है अपनी टीम के लिए, चाहते हैं कि अपनी टीम ये मैच जीते और हम टूर्नामेंट के अंदर बाकी रहे। इसी अंदाजे से यहां पर बैटिंग के बॉलिंग के फराइज अंजाम देते हुए मासूम। इस बीच मासूम की यह गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट नबील के लिए, हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए पटकी हुई गेंद उठा करके मारना चाहते थे लेकिन अंपायर ने वाइड करार दिया क्योंकि बल्लेबाज के काफी ऊपर से यह गेंद निकल गई और वन बाउंसर का भी इशारा यहां पर मिलता हुआ। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन, अंपायर वन बाउंस का यहां पर इशारा करते हुए और वाइड करार दिया इस गेंद को। इसी वाइड के साथ एक रन का इजाफा और इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 15 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। फिर से तैयार मासूम राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए विकेटों को क्रॉस करते हैं। इस बार उठा करके मारने की कोशिश थी नबील के लिए गेंद कामयाब नहीं हो सके, सीधा फील्डर के पास में अच्छी फील्डिंग वहां पर दौड़ करके एक रन मुकम्मल कर लिया। इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 16 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बीच मासूम गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करने के लिए शर्जील। शर्जील जो अभी तक के अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। इस बार उठा करके मार दिया, रिजवान उसके नीचे मौजूद है और अच्छे से बेहतरीन अंदाज में फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। शायद ये जो कम हो जाएगा लेकिन जी हाँ, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी फास्ट करते हुए यहां पर और आसानी के साथ में पहुंच गए, दो रन मुकम्मल कर लिए। इसी दो रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 18 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार मासूम की ये गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए, सामना करने के लिए है अरबाज। फुल टॉस गेंद उठा करके मार दिया, गेंद जाती है बाउंड्री लाइन की तरफ और शायद जी हाँ बिल्कुल विकेट को फील्डर को एक क्रॉस करते हुए सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए गेंद निकल गई और इसी 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। इसी तरीके से अगर इस मुकाबले के अंदर बने रहना है तो बड़े हिट लगाने की जरूरत, बड़े बड़े हिट लगा करके मैच जीतने की जरूरत है। इसके बाद का मुकाबला 5 गेंदे लास्ट बॉल, मासूम की 5 गेंदे हो चुकी है, आखिरी गेंद आना शेष और स्कोर रुका हुआ 22 रन 22 रन। इसके बाद भी एक ओवर आना बाकी है, अगर बड़े ओवर बड़े हिट लगते हैं अगर हर ओवर के अंदर तो ये मैच का नतीजा शायद कुछ और हो सकता है। उस हिसाब से यहां पर हारने को बल्लेबाजी करने की जरूरत है, बड़े हिट लगा करके खेलने की जरूरत है अगर इस मुकाबले को अपने नाम करना है और टूर्नामेंट में बने रहना है। इसी बीच मासूम की ये गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए इस बार उठा करके मार दिया, जी हमारी बात को उन्होंने सीरियसली ले लिया, उठा करके मार दिया, गेंद जाती सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ लेकिन उससे पहले फील्डर मौजूद और आसानी के साथ कैच कर लिए गए। छठा झटका लगता हुआ यहां पर और जी हाँ बिल्कुल फील्डर देख करके उन्होंने उठाए थे कि फील्डर को दाएं बाएं जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई, सीधा उनके पास सीधा उनके दस्तानों के अंदर ये गेंद पहुंच गई। बिना हिले ढुले उन्होंने इस गेंद को लपक लिया और छट्टा झटका लगता हुआ यहां पर हारने की टीम को। इसी बीच स्कोर अभी भी रुका हुआ 22 रन के ऊपर और आखिरी ओवर शेष आना बाकी, जीतने के लिए 6 गेंद जो करो या मरो की स्थिति के अंदर है। इसी गेंद 6 गेंदों के अंदर जो कुछ करना है आपको यहां पर हारने की तरफ से नबील और मसूद की जोड़ी कितने हो गए, रन कितने हो गए, 22 हो गए, कितने चाहिए थे, 23 रनों की जरूरत है जीतने के लिए, 6 गेंदों के अंदर 23 रन की जरूरत। अब देखना है 22 रन 55 रन की जरूरत है जीतने के लिए, डबल टू स्कोर हुआ है 22 रन। ये
33 रन की जरूरत है। यहां पर इस बीच अच्छी गेंद थी, उठा करके मार दिया है सीधा कमेंट्री बॉक्स की जानिब। जी हां, कमेंट्री बॉक्स के अंदर ये गेंद आती है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और रिजवान सिर्फ दर्शक बन के वहां पर देखते रह गए और इसी 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। इसी तरीके से बल्लेबाजी करने की जरूरत नबील, ऐसा लग नहीं रहा है उनके बॉडी लैंग्वेज से कि शायद वो मार पाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा हिट लगा करके दिया है। टाइमिंग बड़ी खास है उनकी, बड़े बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं, उनको टीम को जिताना है। इस बार भी उठा करके मारने की कोशिश थी लेकिन बल्ले और गेंद का सही संपर्क नहीं हो सका। 1 रन वहां पर दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया। इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। अब जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत, 25 रनों की जरूरत। इसी बीच राइट ओवर द विकेट, 4 गेंदों के अंदर 25 रन की जरूरत, 4 छक्कों की, बड़े छक्कों की जरूरत है यहां पर। और इसी बीच दौड़ करके 1 रन मुकम्मल कर लिया, इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। और 6 विकेट के नुकसान के ऊपर फिर से तैयार। इसके बाद का होने वाला मुकाबला बानकोट वर्सेस मंडनगढ़ के दरमियान में, मंडनगढ़ ने टॉस जीता है, टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। इस हिसाब से बिल्कुल उनकी टीम तैयार है। इस बीच फुलटा हाउस गेंद, उसके सही फायदा नहीं उठा पाए और थोड़ा खुद को इंजर्ट करते हैं वहां पर प्लेयर। लिटा दे उनको, पैर ऊपर कर दे उनके। काफी चोट आती हुई यहां पर बल्लेबाज को ऐसा महसूस हो रहा है, यहां से काफी दर्द के अंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत की दाद देना पड़ेगा कि बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल क्रीज पर मौजूद। और स्कोर अभी भी रुका हुआ 31 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। हरने और केल्शी के दरमियान में मुकाबला, केल्शी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 54 रन बनाए थे, जीतने के लिए हरने को 55 रनों का टारगेट दिया था जो किसी हद तक के अब निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर इस तरीके के आप अगर हर गेंद के ऊपर भी शॉट लगाते हैं तब भी ये जीत नामुमकिन हो चुकी है। और 1 रन हो सकता था लेकिन दोनों भी बल्लेबाजों ने उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। स्कोर अभी भी रुका हुआ 31 रन के ऊपर। फिर से स्लोअर गेंद की बेहतरीन गेंद और इसी के साथ ओवर की समाप्ति और स्कोर अभी भी रुका हुआ 31 रन। इसी के साथ केल्शी ने इस मैच को अपने नाम कर लिया है। और अभी जो मुकाबला होने जा रहा है वो है मंडनगढ़ वर्सेस बानकोट, होम टीम वर्सेस बानकोट। अच्छा मुकाबला, बड़ा ही खूबसूरत मुकाबला होने के इम्कान।